मेरी खाला है उनका एक बेटा है 16 साल का, वो छत पे गया है या रूम में गया है तो उसको कुछ असर हो गया है। अच्छा। वो बच्चा रात को सो नहीं सकता और दिन को जागता है, रात को डरता है, इसलिए वो सारे घर वाले परेशान। तो उनकी माँ ने काफी जगह दिखाया भी है और सबसे पूछा भी है, हर एक के मुंह की अपनी अपनी बातें हैं। तो लोगों के जितनी बातें हैं वो हर एक चीज ट्राई कर रही है लेकिन किसी चीज का असर नहीं हो रहा। अच्छा, दिन में सोता है बच्चा? जी जी, दिन में सो जाता है। जी जी, रात में वो डरता है, काफी डरता है और उसे कुछ नजर आता है। कुछ नजर आता है, अच्छी बात है। तो फिर उसकी अम्मी ने मुझे कहा है कि इसके मसले का कोई हल है, तो मैंने आपके प्रोग्राम का बताया, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं जी इंशाल्लाह बताऊंगी अल्लाह ताला खैर करे जी। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि वो मुफलिस भी हैं, काफी गरीब हैं, तो उनकी 6 बेटियां हैं और एक छोटा जो अभी बेटे की बात थी और एक इससे थोड़ा बड़ा है, तो माली हालात भी उनके ठीक नहीं है। तो उन्होंने दूसरा सवाल ये बताया कि कल वो बैठे अपने मियाँ से बात कर रही थी तो उनको कुछ सामने से 3 चीजें नजर आई। मैंने देखा है कि अपनी आंखों के सामने देखा है बिल्कुल, सब घर वाले चल फिर भी रहे हो, उसने देखा है कि 3 डेगे बनी हुई है, एक बिरयानी है, एक जर्दा है, और मैंने दूसरी तरफ पलट के देखा है तो कुछ भी नहीं। तो उन्होंने कहा कि क्या मुझे खैरात करनी चाहिए, सदका करना चाहिए, या हम सब खानदान वालों को मिलके कोई बड़ी खैरात करनी चाहिए। तो मैंने बताया कि मैं इस मामले में इतना कुछ नहीं जानती जी, सवाल जो है ना आपके जरिए से उनको। अच्छा, ये जो देगे उन्होंने देखी थी 3 देगे, उसमें देगो के अंदर उनको नजर आ गया था कि इस देग में जर्दा है और इसमें पुलाव है, इसमें फलाह है। जी जी, वो देगे जो है ना जमीन पे रखी हुई थी और वो चारपाई पे थी। अच्छा, मतलब वह चारपाई पे थी और देगे रखी हुई थी और उसमें ढक्कन खुला हुआ था, उनको पता चल गया था। वो जो सहन है ना, जिस मतलब के वो एक मतलब भाई के घर की छत पे उनको एक रूम दिया हुआ है, वो वहाँ लोग रहते हैं और उनका अपना इतना कोई नहीं है, मतलब कि अपने घर वगैरह कुछ नहीं है। तो इसलिए जो है ना वो इस मामले में परेशानी के मुझे घर छोड़ना चाहिए, किसी और जगह शिफ्ट हो जाना चाहिए, या फिर मुझे जो है ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि मैं घर भी, क्योंकि उतने माली हालात उनके ठीक नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई साहब उस घर में इंटरेस्टेड हो उस घर को लेने में और उनकी तरफ से कोई शरारतें की जा रही हो, क्या ये पॉसिबिलिटी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो पूरी बिल्डिंग है, हमारा पूरा खानदान, हर दूसरी गली में हमारा अपने खानदान के घर है, तो एक बिल्डिंग में वो घर है, वो म्यूनिसिपैलिटी वाले कह भी रहे हैं कि सरकारी घर है, कि अभी हम जो है ना इस घर को जो है ना वो करेंगे, खाली करवाएंगे, क्योंकि उनकी गारंटी खत्म हो गई। अच्छा, पुराने घर है। एक घर का मसला नहीं है, अगर ये होता तो पूरे बिल्डिंग के साथ होता। नहीं नहीं, तो जरूरी नहीं है कि सारे हो, कोई एक भी हो सकता है, अगर किसी ने तंग करना है तो वो किसी एक को तंग करेगा, सबको उसको उसने बला क्यों अपने गले लेगा, वो इस काबिल है ही नहीं कि उनको कोई तंग करे। अच्छी बात है, इंशाल्लाह अभी जॉब आ जाएगा मोहतरमा। जी जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह खैर करे, और बहुत अच्छे से डिटेल में मुझे इसका जवाब दिलवाए ताकि मैं वहाँ ये रिकॉर्ड करके भेजूं, और जजाकल्ला खैर। बारकल्ला फीक मोहतरमा, बहुत शुक्रिया आपका। फी वल्ला जी मौलाना, दोनों सवालों को एक साथ ही कर लेते हैं। अब उसमें उनकी खाला का बेटा है और जिसने जिसके बारे में कि रात को वो एकदम डर गया, उसके बाद से मुसलसल ये कि रात में डर जाता है और दिन में सोया रहता है, तो ये किसी की कोई कहता है कि ये कोई साया है, कोई किसी ने कहा कि ये कोई जिन है, कोई जितनी ज़रे की बातें होते हमारे माशरे में होती हैं वो सारी इनके पास आई। एक ये मसला था इनका, और दूसरा ये कि उन्होंने अपनी मियाँ से बात कर रही हैं वो मोहतरमा, तो उन्हें देगे नजर आती हैं, एक में फलां चीज़, एक में फलां पुलाव और बिरयानी और दर्दा, पता नहीं क्या। जी सर भाई,
سر میں اس سلسلے میں جیسے آپ کے جو مختلف سوالات تھے بہن صاحبہ سے اس دوران یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی تھی سر بھائی کہ یہ مکان ان کا پہلے سے ہے, یعنی ایسا نہیں کہ انہوں نے ابھی کسی مکان کو ابھی اپنایا ہو, کسی نئے مکان میں جا کر بسے ہوں تو پھر وہاں سے اس جو پریشانی کا آغاز ہوا, ایسا نہیں ہے بلکہ پہلے سے لوگ کسی مکان میں رہتے تھے اور پہلے شکایت نہیں تھی, اچانک کوئی چیز اب نظر آئی اس کے بعد جو ہے پھر اس الجھن کا آغاز ہوا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ کسی کی شرارت بھی ہو سکتی ہے کہ کسی نے جو ہے کوئی ناجائز کام کرنے کے لیے ان کو پریشان کرنے کے لیے کوئی حرکت کی ہو, اس بات کا امکان ہے. اور دوسرا امکان یہ ہے کہ لڑکے سے یا گھر والوں سے کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے جو ہے کوئی دوسری مخلوقات جو اپنے اپنے جگہ پہ دور تھیں باہر تھیں لیکن جو ہے ان کے گھر پہ وہ آئی ہیں, اب تک جو نہیں آئیں اڑوس پڑوس کے بہت سارے مکانات وہاں پہ بھی وہ مخلوقات نہیں پہنچی مثلا, تو پھر یہاں پہ خاص طور پہ آئی ہے مطلب کہ وہ گھر پہلے سے محفوظ تھا, گھر کے باشندے ماشاءاللہ محفوظ تھے, اب کوئی نئی چیز آ گئی ہے تو ہو سکتا کسی سے کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے مثلا, تو ایسے معاملات پیش آتے ہیں. اور وہ آ رہے ہیں اور پھر پریشان نہیں کرتے تو پھر ایک الگ مسئلہ ہے, آ کر پریشان کرتے ہیں تو الگ مسئلہ, لیکن آنا نظر آنا اور پھر بچے کو جو ہے اس کے بارے میں جو ہے ڈرانا, تو پھر سب چیزیں ایسی ہیں کہ واقعی وہ جو ہے مطلب ہے کہ کچھ صحیح مقصد نہیں ہے اور ان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ جنات جو ہے کسی کے گھر میں آ کے بسے, انسانوں کو نظر آئے ڈرائے, تو پھر یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف ہے. تو صاحب اس سلسلے میں دو تین افراد جو اس فیلڈ کے لوگ تھے انہوں نے یہ بتایا کہ بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ واش روم میں جو ہے بغیر دعا پڑھ کے بسم اللہ اور جو دوسری دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, ایسی دعا پڑھے بغیر اگر چلے جائیں مثال کے طور پہ, پھر وہ مخلوقات وہاں پہ موجود ہوں تو ان کے اوپر نجاست پڑ جاتی ہے, یا باہر بھی کسی ایسی جگہ پر جیسے تفریح کے لیے چلے گئے وہاں پہ جا کر جو ہے کسی میدان میں جو ہے جا کر رفع حاجت کا معاملہ کر دیا, وہاں پہ وہ چیزیں موجود تھی وہ مخلوقات, وہاں پہ آپ نے رفع حاجت سے پہلے دعا نہیں پڑھی, یا پھر واش روم یا پھر کچن کے اندر کھولتا ہوا پانی جو ہے بسم اللہ پڑھے بغیر ڈال دیا, تو اس طرح کے اسباب کچھ بھی ہو سکتے ہیں, یا پھر کسی بلدیا کے ڈرم کے پاس سے گزرتے ہوئے وہاں پر آپ نے جو ہے کچھ لفظ کہہ دیا اعوذ باللہ ایسا کچھ, تو ہم کہہ نہیں سکتے صحبے کی وجہ کیا ہے, کسی اور دشمن نے جو ہے بھیجا ہو ہمیں نہیں پتا, لیکن ان تمام جو یہ امکانات کے باوجود جو حل ہو سکتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کریں اور اس مسئلے کے حل کے لیے کسی عامل یا جادوگر وغیرہ کے پاس نہ جائیں, کیونکہ ہے کچھ ایسے بھی جو قرآن اور حدیث کی جو دعائیں ہیں ان کو پڑھ کر دم کرتے ہیں, دعا کرتے علاج کرتے ہیں, لیکن اکثر ایسے ہیں جو اپنا بزنس جو ہے وہ جاری رکھنے کے لیے جو ہے مزید کچھ اور جنات کو پیچھے لگا دیتے ہیں, اور جو ان کے ساتھ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی کچھ مزید جن جو ہے وہ لگ جاتے ہیں, پھر پریشانیاں بڑھتی, اسی لیے ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے مسلمان ہیں یا مسلمانوں کے پاس ایسے ہتھیار ہوتے ہیں, ان قید شیطان کانا ضعیفا, اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں جو ہے یہ خوشخبری مسلمانوں کو سنائی کہ شیطان کی چال جو ہے کمزور ہوتی ہے, کیونکہ شیطان کے پاس کفر ہے, مسلمان کے پاس ایمان ہے, وضو ہے, طہارت ہے, نماز ہے, اللہ کی طرف سے دی ہوئی طاقت قرآن مجید کی آیات ہیں. تو ہم یہ مشورہ دے سکتے ہیں سیف بھائی کہ سب سے پہلے گھر میں جو ہے ہمیشہ جو اگر بت وغیرہ ہوں, تصویریں وغیرہ ہوں ان کو ہٹا دیں, اور اگر کتا وغیرہ ہوں اس کو نکال دیں, اور تیسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ گھر میں جو ہے جو گھر کے تمام افراد جو بھی ہیں مرد خواتین وہ نماز کو جو ہے وہ جاری رکھیں, گھر میں گھر کو نماز سے خالی نہ رکھیں. اور دوسری بات جو صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کی حدیث جو ہے پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ تم لوگ گھر پہ جو ہے سورۃ البقرہ کثرت سے پڑھا کرو, کیونکہ شیطان ہر اس گھر سے دور بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے, تو خود جو ہے جس بچے کے اوپر اثر ہوا ہے تو اس سے کہے کہ سورۃ البقرہ کی تلاوت تم کرتے رہو, اور گھر پہ بھی جو ہے آپ موبائل فون پہ لیپ ٹاپ کے اوپر جو ہے اس کی تلاوت کو جاری رکھیں. اور ایک مشورہ صاحب بھی آپ نے اس سے پہلے دیا تھا, ایسے کسی گھر میں یا کسی صاحب کے ساتھ معاملہ پیش آیا کہ اذان دی جائے, کیونکہ حدیث میں بخاری اور مسلم کی حدیث ابو ہریرہ سے ہے, پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ جب اذان کی آواز آتی ہے تو شیطان اتنی دور بھاگ جاتا ہے کہ اس کی آواز اس کو اذان کی آواز سنائی نہ دے, تو اذان جو ہے شیطان کو بہت زیادہ جو ہے سزا دینے والے الفاظ اذان میں پائے جاتے ہیں. تو یہ ہو گئی ایک اور بات. دوسری بات سے بھائی جو رقیہ شرعیہ وغیرہ ہے
جیسے مثال کے طور پہ رقیہ شریعہ کا مطلب بہت آسان لوگ بہت بڑا بوجھل سمجھتے ہیں کہ جو سورت ہم لوگ ڈیلی پڑھتے رہتے ہیں, مثال کے طور پہ سورۃ الفاتحہ ہے اور آیت الکرسی ہے اور اسی طرح سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں جسے آمن الرسول سے لے کر آخر تک, پھر ان کے علاوہ جو آخری چاروں قل, تو ان کو پڑھتے رہیں اور ان کو پڑھ کے دم کر کے پانی میں پھونک کر وہی پانی پئیں, اسی کا کچھ حصہ نہائیں اور وہ پانی زیتون کے تیل پر بھی وہ یعنی دم کر کے پھونک کر جو ہے کچھ زیتون کے تیل پر بھی پھونک کر وہ زیتون کا تیل جسم پر لگائیں جس کو شکایت ہے. اسی طرح شیخ بن باز نے کہا کہ یہ جو بیر کے جو پتے ہوتے ہیں تو بیر کے پتوں کو بھی لائیں, اچھی طرح صاف کریں اور جو ہے آپ جب ان کو ان کا پیسٹ بنائیں کچل کے, تو اس پیسٹ کے اوپر بھی جو ہے پیسٹ کے اوپر آپ جو ہے دم کر کے ان کو بھی آپ نگلتے کھا لے بچہ جس کو شکایت ہے. تو ایسی جو ہے جو کوشش وغیرہ محنت کرے تھوڑی سی, تو جیسے ہم لوگ جسمانی بیماری کی وجہ سے صحیح بھائی علاج کرتے ہیں کرتے ہیں, اسی طرح ابھی ایک روحانی مرض لاحق ہوا ہے جس کی وجہ سے جس بچے کو شکایت ہے ان شاء اللہ اجر ملے گا یہ تو ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے علاج بھی جو ہے وہ ضروری, اس طرح مناسب علاج کر کے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. اور مشورے کے طور پر اگر وہ دوحہ قطر میں رہتے ہیں, پتا نہیں سب یہ کہاں کا مسئلہ اپنے ملک کا ہے یا مجھے یہاں کا نہیں پتا, مجھے ملک کا ذکر ہے مجھے ایسا لگتا ہے, اندازہ یہی ہے کہ وہ نہیں ہے. ہاں تو اگر یہاں کے ہوتے تو مثلا یہاں ہم جو ماشاء اللہ اوقاف کی طرف سے جو 15-20 جو راقش علماء ہیں جو رقیہ شریعہ کرتے ہیں تو ان کے پاس جا کے مشورہ کر سکتے تھے, لیکن چونکہ ملک کا معاملہ ملک میں سب پتا ہے آپ کو ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں جو قرآن حدیث کے ذریعے بھی دعا کرتے ہیں اور بہت سارے ایسے ہیں جو اس کو بزنس بنا کے رکھا ہے کہ ہم قرآن پڑھیں گے حدیث کی دعائیں پڑھیں گے, مگر ایک ایک علاج پہ ہم کو 1,00,000 چاہیے 2,00,000 چاہیے, تو اس کو بزنس بنائے ہوئے لوگ بھی ہیں. کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ نعوذ باللہ شرک الفاظ استعمال کر کے علاج کی بات پیش کرتے ہیں. ان تمام پریشانیوں سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ جو مریض ہے وہ خود جو ہے قرآن کی تلاوت کرے, مریض کے گھر والے تلاوت کرے, ایک آزمائش ہے, اس پر امید رکھے کہ اللہ اجر دے گا اور علاج بھی انشاءاللہ جاری رکھیں. جسے بھائی انشاءاللہ اللہ تعالی نجات دے گا. آمین. اور ایک چھوٹی سی تجویز یہ بھی ہے کہ اگر خاص طور پہ وہ جو بچہ جو ڈر جاتا ہے اس کے لیے اہتمام کریں کہ وہ کوشش کرے کہ مستقل ہمیشہ وضو سے رہے, جیسے جیسے وضو ٹوٹا تو وضو کرتے رہے انشاءاللہ, پھر اس کا یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر مولانا. اب اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام محبوبہ شاہ سعید ہے. جی محبوب صاحب. جی میرے پاس 5,00,000 ہے. اچھا اللہ برکت دے. چاہتا ہوں. جی بھائی یہ گھر ہے 10,00,000 میں خریدنا چاہتا ہوں. اوکے تو پھر 5,00,000 میں بینک سے لے کے وہ گھر خرید کر سکتا ہوں. اچھی بات ہے. اور سوال ہے وہ گھر آ کے قبرستان کے نزدیک ہے, جو قبرستان کا کمپاؤنڈ ہے اس کو لگ کے ہے, وہ گھر خرید کر کے ادھر رہ سکتے ہیں کیا نہیں فرما دیجیے. اس میں دیوار ہے قبرستان کے اور اس زمین کے درمیان یا دیوار بھی نہیں ہے؟ دیوار کو لگ کے ہے, دیوار ہے کمپاؤنڈ کو لگ کے, یہ اس کا گھر کے دیوار ہے. اوکے اوکے ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ بھی جواب آئے گا. جی بہت شکریہ محبوب بھائی. فی امان اللہ. جی مولانا پہلا سوال کہ کچھ رقم ہے 5,00,000 ہے, 10,00,000 کا مکان ہے, تو 5,00,000 بینک سے قرضہ لے کے لے سکتے ہیں؟ جیسے بھائی اس بارے میں پہلی بات ہم جو حدیث صحیح مسلم میں حضرت جابر سے حدیث مروی ہے جس میں پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ سود جو ہے وہ کھانے والا کھلانے والا اور لکھنے والا اور گواہی دینے والے سب کے سب جو ہے گنہگار ہوں گے, یہ بات واضح ہے. اور یہاں پر جو ہے موصوف چونکہ سود کھانے والے تو نہیں بلکہ کھلانے والے ہونے کے حیثیت سے جو ہے وہ گنہگار ہوں گے. اب آتی ہے دوسری بات کہ کیا ایسی صورت میں کہ انسان کے پاس بالکل مکان نہیں ہے یعنی بے گھر ہے, تو کیا بے گھر شخص جو ہے کیا سودی بینک کے ساتھ لین دین کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ تو یعنی پہلے ایک گھر ہے, دوسرا گھر لینے کے سلسلے میں تو پھر علماء تو متفق ہے کہ اضافی گھر تم یعنی بینک کے سود سے لے رہے ہو, لیکن جو ہے یعنی بینک کو سود دیتے ہوئے لے رہے ہو, لیکن پہلے سے ہی بالکل مکان نہیں, تو اس کے بارے میں جو ہے جو یورپ کی جو یورپ کے اندر جو مسلمان بستے ہیں تو ان لوگوں کی جو کمیٹی ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ انسان کی مجبوری کی صورت اس کو ہم شمار کر سکتے ہیں, جیسے کھانے پینے کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا, تو اس کے لیے جو پہلا مکان جس میں وہ رہنا چاہتا ہے وہ بھی اس کی مجبوری کے طور پر یہ چیز شمار ہوتی ہے. تو اسی لیے جو ہے اس میں علماء نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ,
कि अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पे बता दिया कि कौन कौन सी चीज़ें तुम्हारे लिए हराम हैं, इल्ला ये कि शदीद मजबूरी पेश आए, तो वहाँ के उलमा ने इस सिलसिले में जो है नरम रवैया इख्तियार किया है। लेकिन अभी अक्सर उलमा इस सिलसिले में इस बात से मुत्तफिक नहीं, तो इंसान के हालात के लिहाज से इसमें फैसला किया जाता है। लेकिन साहबा इसमें उलमा ने एक और रास्ता बताया है कि चाहे यूरोप में रहते हो, एशिया में या किसी भी मुल्क में, कि जब आप जो है 5 लाख का मकान लेते हैं, तो यहाँ पर जो ये जो 10 लाख का मकान लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर इस्लामिक बैंक का जो सिस्टम होता साहब भाई, तो उसी तरह यानी इंस्टॉलमेंट्स के अंदर जब रकम आप अदा करते हैं, तो असल जो रकम होती है उस चीज की कीमत, उससे ज्यादा रकम आपको अदा करनी होती है, तो आप सूद से भी बच जाएंगे और उसके साथ साथ शरीयत के मुताबिक भी आपका लेन देन होगा। उसका तरीका ये होगा कि मौसूफ जो है सूद से रकम लेने के बजाय जो चीज भी आप खरीदना चाहते हैं आप इंस्टॉलमेंट में लीजिए, यानी जो मकान आप लेना चाहते हैं तो वो जो है 10 लाख में आप खरीदें, और 10 लाख के बजाय आप उससे ये कहें कि मैं जो है इसके लिए जैसे मिसाल के तौर पे 12 लाख आप देना, अगर सूद देंगे तो बेशक आपकी 12-13 लाख हो जाएंगे, तो आप उस मकान की कीमत जो है मकानदार से या किसी और सोसाइटी से आप बात कीजिए जो कर्ज देते हैं, और इंस्टॉलमेंट में आपसे जो है कर्ज वापस वो लेते हैं। मिसाल के तौर पे 10 लाख का मकान आप 11 लाख में लेंगे और 11 लाख इंस्टॉलमेंट में आप देंगे, तो फिर आपको मकान भी मिल गया, सूद से भी बच गए, और सूद के अंदर भी आप जो है रकम बढ़ के देते हैं और अकसात में भी रकम बढ़ के देते हैं। लेकिन अकसात में किसी चीज खरीदने को दीन इस्लाम ने जायज करार दिया और सूद से जो है किसी चीज के खरीदने के सिलसिले में मुमानात आई है, इस एतबार से साहब भाई के मौसूफ के सामने एक आसान रास्ता खुला है कि अकसात का तरीका अपनाएं और उस मकान को बेशक आप खरीदें ताकि आपका फायदा हो, लेकिन आप सूद के तरीके को बचकर इंस्टॉलमेंट का तरीका अपनाएं। जी साहब भाई, माशाल्लाह अच्छी तजवीज है साहब, ये तो आपसे सीखी साहब भाई। जज़ाकल्लाह खैरन। दूसरा सवाल महबूब भाई का था कि कब्रिस्तान के करीब है ये घर और एक दीवार है दरमियान में, और उस एक तरफ कब्रिस्तान और एक तरफ ये सोसाइटी या घर बन रहे हैं, तो इसमें कोई कबाहत तो नहीं है? जी साहब भाई, माशाल्लाह हम जहाँ रहते हैं तो अक्सर मकानात जो है कब्रिस्तान को लगे हुए हैं, दरमियान में जो है वो मकबरा है और उसके अतराफ बिल्कुल मकानात बने, छोटे बड़े मकानात बिल्कुल जो है कब्रिस्तान की दीवार है, फिर उसके बाद मकान की दीवार है, तो इस तरह बहुत सारे मकानात मौजूद हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि वो नाजायज कब्जा न हो, और बाकायदा आप रजिस्ट्रेशन करते हो मकान को, जो है पैसे देकर आप जमीन मकान जो भी खरीदते हो इसमें बिल्कुल जायज है, हर्ज नहीं है। लेकिन साहब भाई मसला ऐसा होता है कि बसा औकात जो हर एक को हर जगह यानी वो मुनासिब नहीं बनती, इस एतबार से कि बाद लोग जैसे मकबरे के करीब मकान लेने की वजह से डर जाते हैं, बल्कि दिलों में एक वहम रहता है कि भी हम जैसे खुद मौसूफ को इसीलिए जहन में सवाल उभरा कि भी मकबरे के करीब जो है मकान लेने की वजह से कुछ यानी बुरे असरात या फिर बुरे साए या फिर जिसे जिन्नात हम शयातीन वगैरह कहते हैं मखलूकात तो घरों में नहीं आ जाएंगी, तो फिर इसकी तो हम जमानत नहीं दे सकते। घर अपनी जगह बिल्कुल ले सकते हैं, शरीयत की तरफ से कोई ममानात नहीं है, पाबंदी नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए, लेकिन अगर लेने के बाद आप उस घर में इत्मीनान से रह सकते हैं तो बिल्कुल आप रहें, लेकिन लेने के बाद अगर आपको कोई इस सिलसिले में कोई परेशानी उलझन वगैरह कुछ शुरू हो रही है तो फिर आप उस मकान को छोड़ दें। इसीलिए आप लेने से पहले इस्तिखारा करें सबसे पहले जी, कि बिल्कुल आसान रास्ता है कि भाई यानी 2 रकात नमाज पढ़ के फर्ज के अलावा कोई भी सुन्नत नफिल नमाज आप पढ़े 2 रकात इस्तिखारे की नीयत से, उसके बाद जो है फिर आप जो मकान जहाँ पे लेना चाहते हैं उसको अल्लाह ताला के सामने पेश करें, अगर ये मकान आपके लिए दीन और दुनिया व आखिरत के लिहाज से फायदा मंद है तो अल्लाह ताला वो कार्रवाई पूरी करवा दे, और अगर नहीं मुनासिब नहीं है तो अल्लाह ताला इस मकान को आपकी किस्मत से हटा दे, उससे बेहतर मकान आपको दिला दे। इस तरह आप अल्लाह के दरबार में दुआ कीजिए, उसके बाद फिर देखिए कि रास्ते किधर जाते हैं, और उसके अलावा साहब भाई के जो उस कब्रिस्तान के अतराफ मौसूफ अकेले नहीं बल्कि बहुत सारे लोग भी वहाँ पे रहते होंगे, तो उनसे भी जो है मशवरा करें कि भी वो लोग क्या कहते हैं कि भी यहाँ पे रहना ठीक है, परेशानी तो नहीं हुई, उसके बाद अगर इत्मीनान हो तो जैसे कहते हैं ना साहब भाई के इस्तिशारा इस्तिखारा, तो इस्तिखारे से शुरू किया, इस्तिशारा यानी मशवरा भी लिया, उसके बाद तीसरा मामला जो है उसको खरीदने का मामला जो मुकम्मल करें, इंशाल्लाह हो सकता है कि काम आपके लिए फायदा मंद हो। जी साहब भाई जज़ाकअल्लाह खैरन। ख्याल था कि एक और कॉल ले लेते हैं, लेकिन अब वक्त इतना नहीं बचा कि कॉल ली जा सके, हम SMS के सवालों की तरफ आ जाते हैं। 20 नंबर से सवाल यह है कि एक औरत हर नौ मौलूद को दूध पिला देती है, क्या ये दुरुस्त है,
और क्या औरत किसी और के बच्चे को दूध पिलाने के लिए अपने शौहर की या बच्चे के माँ बाप की परमिशन की जरूरत है, इजाजत की जरूरत है? जी साहब, इस सिलसिले में जो बात हम आयत और हदीस की रोशनी में पेश कर सकते हैं वो है कि रजात की वजह से या दूध पिलाने की वजह से जो है हुर्मत साबित होती है। इस तरह जिस माँ ने बच्चे को जन्म दिया वो उसकी हकीकी माँ बन जाती है, और उस माँ की जो बेटियाँ जो है उस बच्चे के लिए हकीकी बहनें होती हैं जिस माँ ने जन्म दिया। उसी तरह जो माँ दूध पिलाती है तो उस माँ के पास दूध पीने की वजह से वो खातून उसके लिए हकीकी माँ की तरह बन जाती है, और उस माँ की जो भी बेटियाँ वो हकीकी बहनों की तरह बन जाती हैं। इसीलिए जो है रजात के सिलसिले में उलमा ने बहुत ज्यादा अहमियत का जो है इसको मकाम दिया है कि हर खातून हर बच्चे को उठाकर जो दूध न पिला दें, क्योंकि इससे तहरीम साबित होती है। जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह निसा की आयत 23 में वाज़े कर दिया कि वह उम्महातुकुम अल्लाती अरज़अनकुम व अख़वातुकुम मिन अर्रज़ाअती, कि जिस माँ ने तुमको दूध पिलाया उसके साथ तुम निकाह नहीं कर सकते, उस माँ की जो भी बेटियां उनके साथ भी तुम जो है निकाह नहीं कर सकते। और फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वाज़े किया कि इन्नर रज़ाअत तुहर्रिमु मा तुहर्रिमुल विलादा, ये बुखारी और मुस्लिम में हजरत आयशा से हदीस मरवी है। प्यारे नबी वाज़े फरमाते हैं कि जिस तरह विलादत की वजह से हुर्मत साबित होती है उसी तरह रज़ाअत की वजह से भी हुर्मत साबित होती है। तो सैफ भाई, बहुत सारे दलायल हैं। हम आते हैं असल जो जवाब की तरफ जी, कि क्या जिस बच्चे जो शौहर है उस खातून का जो दूध पिला रही है उसकी इजाजत की जरूरत है कि नहीं। इस सिलसिले में बाज़ुल्मा ने शौहर की इजाजत के बगैर दूध पिलाने को मकरूह करार दिया, बाज़ुल्मा ने इसको हराम करार दिया कि उस शौहर की वजह से खातून को दूध आता है। हो सकता है कि उस शौहर की वजह से वो खातून दूध पिलाने की काबिल बनती है, और उसी तरह जो है उस शौहर को उस खातून के सिलसिले में इख्तियार रहता है कि चाहे इजाजत दे या ना दे। इस माने में जो है उलमा ने तहकीक पेश की, खास तौर पर इमाम इब्ने खुदामा ने अल-मुग़नी में। उसी तरह कुवैत की जो फिकह की जो किताब है दायरतुल मारिफ, तो मौसू अल फिकहिया, उसके अंदर भी, और उसी तरह शेख इब्ने उसैमीन के फतावा के अंदर यह बात पेश की गई कि कोई भी खातून अपने शौहर की इजाजत के बगैर किसी भी बच्चे को दूध न पिलाए, क्योंकि दूध का हक शौहर का रहता है। अब आती है दूसरी बात कि जिस बच्चे को दूध पिलाया जा रहा है उस बच्चे के माँ बाप की इजाजत भी चाहिए। तो हाँ, उस बच्चे के सरपरस्त जो होते हैं माँ बाप जो भी हैं, तो उनकी इजाजत भी लाजिमी है, क्योंकि इसकी वजह यह है कि हो सकता है कि कुछ माँ बाप ऐसे हों जो ये नहीं चाहते कि कोई भी खातून अपने बच्चे को उनके बच्चे को दूध पिला दे। हो सकता है कि वो खातून बीमार है, या फिर उल्मा की तहकीक ये है कि खवातीन के अंदर जो मिजाज रहता है, जो फितरत रहती है, वो खातून जब दूध पिलाती है तो वो फितरत बच्चों के अंदर भी आती है। हो सकता है कि माँ बाप पसंद न करे कि फला खातून दूध पिलाए, या कोई खातून माशरे में उसकी नेक नामी नहीं बल्कि बदनाम है, तो फिर लोगों को मालूम होगा कि तुम्हारे बच्चे ने फला खातून से दूध पिया है, तो फिर उस बच्चे की रुसवाई होगी। कुछ भी सबब हो सकता है, इसीलिए उल्मा ने मना किया कि जब तक उस बच्चे के माँ बाप इजाजत न दें तो कोई भी खातून किसी बच्चे को दूध न पिलाए, क्योंकि ये खेल का मामला नहीं है। इसकी वजह से तहरीम हुर्मत साबित होती है। अगर उस खातून ने दूध पिला दिया और माँ बाप को नहीं बताया, और फिर बच्चा बड़ा हो गया, फिर उसी खातून की बेटियों से उसने निकाह कर लिया, तो इस तरह जो है एक हराम का रिश्ता जो है उसमें उस बच्चे की वजह से कोताही हो सकती है। तो इन तमाम मामलात की वजह से उलमा ने जो है मना किया कि खातून दूध पिला दे फिर न बताए, तो फिर ये जो है उसकी वजह से ये हराम हलाल के अंदर जो है आपस में मिलावट होने का अंदेशा और डर रहता है। अब यहाँ पर सब एक और बात यह है, अगर कोई मजबूरी का मतलब यह होता है कि बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है और माँ वहां पे करीब नहीं है, हॉस्पिटल में शरीक है, कहीं गई है जिम्मेदारी देकर, उस वक्त जो है जो खातून उसे देख रही है उस खातून का अगर दूध है मसलन, तो अगर वो उस बच्चे की जान बचाना चाहती है, ऐसी सूरत में सिर्फ जायज नहीं बल्कि जरूरी होता है कि मरने वाले बच्चे की जान बचाने के लिए अगर खातून दूध पिलाती है जो उसकी माँ नहीं लेकिन वो दूध पिला देती है, इसमें कोई हर्ज नहीं। और ये बात भी वाजह है कि एक बार दूध पिलाने से, दो बार या तीन बार चार बार दूध पिलाने से हुर्मत साबित नहीं होती, बल्कि पांच मुख्तलिफ अवकात में पेट भरकर दूध पिलाने से चूंकि हुर्मत साबित होती है, इसीलिए किसी बच्चे की जान बचाने के लिए कोई खातून अगर उसको दूध पिलाती है कोई हर्ज नहीं। अब यहां पर सैफ भाई के खवातीन के पास जो किसी बच्चे को रोते हुए देखती है तो आसान रास्ता है कि फीडर होता है बच्चों के पास, मां फीडर साथ रखती है, या फिर जो
पैसिफेयर जो होता है कि जिसमें जो है रबर का जो निपल जैसा बना रहता है, तो उससे भी जो है बच्चों को खामोश बिठा सकती हैं, सुला सकती हैं। ये तमाम जो भी तदबीर हो सकती है तो उसे अपनाया जाए और जो है बराह रास्त दूध पिलाने का जो मामला, इससे अपने आप को बचा के रखें ताकि वो खातून अपने शौहर को भी नाराज न करे, बच्चे के माँ बाप को भी नाराज न करे, और फिर जो आइंदा चलकर हो सकता है कि उस खातून की बेटों के साथ निकाह होने का इम्कान हो, ये सोच के रखा हो मसलन उस खातून के शौहर ने या जिस वो बच्चे के माँ बाप ने, तो फिर इसमें हलाल हराम के अंदर मिलावट होने का डर रहता है। इन तमाम अंदेशों से उस बच्चे को बचाया जा सकता है। जिससे भाई जज़ाकुल्लाह खैरन। और अगला सवाल ये है कि क्या चांद ग्रहण और सूर्य ग्रहण में कोई खास इबादत होती है? अगर है तो उसका तरीका क्या होता है? 44 नंबर से ये सवाल है। जी साहब भाई, दर हकीकत ये जो सूरज ग्रहण चांद ग्रहण ये जो है अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों में से कुछ निशानियां हैं। ऐसी निशानी जब जाहिर होती है तो उन निशानियों के जाहिर होने के मौके पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस बात की ताकीद की है, जो बुखारी और मुस्लिम में हजरत आयशा से, हजरत अबू मूसा अशअरी से, हजरत मुगीरा बिन शोबा से, तो जो बात हमें मिलती है कि फसल्लू फद्रू वकब्बिरू वतसद्दकू, तो इस तरह की जो है तालीम हमें मिलती है कि ऐसी निशानियां जाहिर होने पर तुम लोग जो है नमाज पढ़ो और दुआ करो, अल्लाह की बड़ाई बयान करो, सदका व खैरात करो, अल्लाह के दरबार में तौबा इस्तिग़फ़ार करो। इसीलिए हम देखते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इस मौके पर कुसूफ या खुसूफ चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण की नमाज आप पढ़ाया करते थे, और नमाज के बाद आपने दुआ की, जैसा कि सही मुस्लिम में हजरत अब्दुर्रहमान बिन समरा से हदीस मरवी है, आपने दोनों हाथ उठाकर उस मौके पर दुआ की है। और नमाज का तरीका यह है कि दो रकात की नमाज होगी, और उसके बाद जो है पहली रकात में जो है दो दफा जो है क़ियाम होंगे, दो दफा रुकू होंगे, फिर दो दफा सजदे होंगे। तो इस तरीके से जो है हर एक रकात के अंदर दो क़ियाम, दो रुकू, दो सजदे, उसी तरह दूसरी रकात में भी दो क़ियाम, दो रुकू, दो सजदे, इस तरह नमाज मुकम्मल होगी। नमाज मुकम्मल होने के बाद खुतबा होगा, खुतबे में जो है लोगों को आखिरत के बारे में याद दहानी की जाएगी तो और दुआ की जाएगी। इस तरह प्यारे नबी का तरीका हुआ करता था। जिससे भाई जज़ाकुल्लाह खैरन। और सवाल है कि रमजान गुजरने के बाद कौन से नफिल रोजे रख कर हम सवाब कमा सकते हैं? 20 नंबर से। जिस सब इस सिलसिले में पहली बात यह है कि नफिल रोजे या नफिल इबादत का फायदा जो हमें मिलता है जो मुस्तद अहमद अबू दाऊद तिर्मिजी में हजरत अबू हुरैरा से कि क़ियामत के दिन जब नामे आमाल खोले जाएंगे उस वक्त अगर फराइज में किसी बंदे के फराइज में कोताही हो तो अल्लाह ताला नवाफिल के जरिए उस कोताही की तकमील कर देता है। और दूसरा फायदा जो बुखारी और मुस्लिम में हजरत अबू हुरैरा से हदीस मरवी है, प्यारे नबी वाज़े फरमाते हैं कि जब कोई बंदा फराइज की पाबंदी के साथ साथ नवाफिल की पाबंदी करता है तो ऐसा अल्लाह ताला का इतना मुकर्रब बन जाता है कि उसकी जिंदगी बिल्कुल अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक गुजरती है। और ऐसा बंदा जो भी दुआ करेगा अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल करता है, और जिस चीज से भी बचने के लिए पनाह मांगता है तो अल्लाह ताला उसको पनाह दे देता है, यानी दुआ फौरन कबूल हो जाती है। तो ये नवाफिल या नफिल नमाज नफिल रोजे के फवायद हैं। अब उसके बाद से भी हम आते हैं, चूंकि वक्त बहुत ही कम है, तो वो नफिल रोजे जो हम रमजान का महीना गुजरने के बाद भी जिनकी पाबंदी कर सकते हैं, उनमें से एक रोजा जिसका जिक्र जो है माह शव्वाल में आ चुका कि माह शव्वाल के 6 रोजे रमजान के रोजे रोजों के बाद माह शव्वाल के 6 रोजे रखने की वजह से जो है पूरे साल जो है रोजे रखने का सवाब लिखा जाता है, जैसा कि हदीस सही मुस्लिम में हजरत अबू अय्यूब अंसारी से मरवी है। उसके बाद यौम आशूरा का रोजा जो सही मुस्लिम में हजरत अबू कतादा से मरवी है, प्यारे नबी वाज़े फरमाते हैं कि यौम आशूरा का रोजा रखने की वजह से जो है गुज़िश्ता एक साल के सगीरा गुनाह माफ होते हैं, और इसमें 9 और 10 इन दो तारीखों का रोजा रखा जाए। उसके बाद आती है बात यौम अरफा का रोजा, और यौम अरफा के रोजे के सिलसिले में जो है ईद उल अज़हा से एक दिन कबल जो रोजा रखा जाता है उसकी वजह से जो है गुज़िश्ता साल और आने वाला साल दो सालों के गुनाह जो है माफ किए जाते हैं, लेकिन इनसे मुराद सगीरा गुनाह है, और वो सगीरा गुनाह जिनका ताल्लुक हुकूकुल्लाह से है, क्योंकि हुकूकुल इबाद के बारे में तो उन बंदों से माफी मांगना पड़ेगा, और जो कबीरा गुनाह उनके लिए फिर अल्लाह ताला के दरबार में जो है तौबा इस्तिग़फ़ार करना जरूरी होता है।
اب اس کے بعد سے بھائی ایک اور فضیلت جو ہمیں ملتی ہے ایام 20 کے روز، ایام 20 سے مراد جو ہے وہ دن جن کی راتیں جو ہے چاند جو ہے بڑا ہونے سے چمکتی ہیں وہ راتیں، تو ان کا ایام 20 کہتے ہیں 13, 14, 15 عربی تاریخ کی جو ہے عربی مہینے کی، ان تینوں دنوں کے روزے رکھنے سے حدیث میں بتایا گیا کہ ان تین دن کے روزوں کی وجہ سے جو ہے اس بندے کو 30 دن روزہ رکھنے کا ثواب لکھا جاتا ہے، جیسا کہ ابو داؤد میں حضرت ابن ملحان سے اور ترمذی میں حضرت ابو ذر غفاری سے حدیث مروی ہے. اس کے بعد ایک اور روزہ ہے پیر و جمعرات کا، اور پیر و جمعرات کے روزے رکھنا مستحب ہے، نفل روزہ، اس لیے ان دونوں دنوں میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، جیسا کہ ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ سے حدیث مروی ہے. تو امید ہے کہ حد تک کافی ہوں گے صاحب بھائی، کیونکہ ابھی وقت قریب ہے، پھر آپ بھی کچھ باتیں مکمل کریں گے انشاءاللہ، تو پھر مزید باتیں جو ہوں آپ مکمل کر دیں. نہیں مرنا، میں تو کبھی کبھار کوئی کسی بات کا کوئی خیال آتا ہے تو پھر میں یعنی اس میں آپ کی اجازت سے یعنی کچھ حصہ لے لیتا ہوں، لیکن ماشاءاللہ بہت اہم بات ہے، قیمتی بات ہے، چونکہ دو منٹ میں کچھ نہ کچھ امت کے سامنے ایک میسج آپ کا ہوتا ہے جو سب کے لیے بڑا یادگار رہتا ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ کچھ قیمتی باتیں بتا دیں. مولانا ہم اور کیا قیمتی باتیں، بس یہ کہ دکھ درد یہ حاوی رہتا ہے جب ہم اپنی امت کی بات کرتے ہیں یا امت کی طرف دیکھتے ہیں. بہت سارے مسائل ہیں، کچھ کچھ مسائل حل ہونے کی طرف کچھ راستہ کھل رہا ہے، اس کی ایک ہلکی سی خوشی ہے ابھی، اللہ کرے کہ وہ مکمل ہو جائے. ایک تو یہ کہ افغانستان میں امن کی بحالی کے کچھ آثار نظر آنے لگے ہیں، کل یہاں مذاکرات شروع ہوں گے. اس طرح لیبیا میں جو حفتر اور دوسری کی فوجوں کی ان کے مذاکرات ہوئے مراکش میں، اس میں کچھ کامیابی ہوئی ہے، بات آگے بڑھی ہے. تو یہ جو اغیار ہیں، جو دشمن ہیں، جو طاقتیں لڑانا چاہتی ہیں، ان کی یہ ایک طرح کی ناکامی کی صورت ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ مکمل طور پر ناکام کرے، اور مسلمانوں کو وہ دنیا کے کسی بھی علاقے میں ہو، تمام مسلمان ملکوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اس طرح کی دشمنوں کی چالوں سے بچائے رکھے. اپنی دعا میں سامعین یاد رکھیے گا، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگتے رہنا چاہیے. بہت بہت شکریہ محترم مولانا عبدالباسط العمری صاحب کہ آپ آئے اور آپ نے سامعین کے سوالوں کے جواب عطا فرمائے. اگلی ملاقات تک کے لیے اب ہم اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ آئندہ جمعہ کے روز اس پروگرام نور اسلام میں پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. يهدي الله لنوره من يشاء. روشنی پر روشنی، اللہ اپنے نور کی طرف.